हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, मतलब गाड़ी में हो गया तेल ख़त्म, तो फटाफट भैया ने कॉल करी और सीधे आज बिल्कुल व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला। मतलब अभी 10 बज चुके हैं भाई, कभी आजकल तो 9, 10, 11 बजे मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मुझे लेट हो जा रही है क्योंकि मैं जैसे उठता वैसे अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। लेकिन काम का इतना प्रेशर है कि भाई साहब फ़ोन यूज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा, कुछ यूज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो भाई और देखिए, हमारे वहाँ को पूरे गेहूँ कट चुके हैं, गाड़ी भी ओवर रेस हो रही है भाई। तो जा रहे थे अभी पेट्रोल भराने, उसके बाद क्योंकि सुबह सुबह तेल भरा लेंगे, उसके बाद गाड़ी कहीं भी लेके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आज कहीं पर काम कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हम जाएँगे, किधर किधर वेटिंग है। और हमारे इस साइड को भी रोड बन रही है भाई, हमारी गलियों में सब जगह रोड बन रही है हमारे उधर, क्योंकि सारी रोडें ख़राब हो रही थी और हमारे घर के आगे भी रोड बन चुकी है क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, तो पूरी क्लियर हो चुका है। तो एक राउंड हम जा रहे हैं अभी, कहाँ से निकालूँ गाड़ी, कैसे निकालता हूँ। सो गाइस, बुला रहे हैं अभी भैया, उन्होंने कहा भैया फटाफट पहुँचो क्योंकि वो भी पंप पे ही है। सो भरा लेते हैं तेल भाई, और ब्रेकर इतने हैं और ब्रेकर बहुत है भाई इस गली में यार। गाड़ी ब्लॉगिंग इन द हाउस, और इस गली का रहा ये लास्ट ब्रेक, 5-6 ब्रेकर पार करें तो ये लास्ट ब्रेकर रहा, एक और है हाफ, आधा बचा हुआ है, आधा किसी ने तोड़ दिया जब बन रहा था है। तो इसे भी आराम से पार कर लेते हैं मिस्टर देवेंद्र। पहुंच चुके हैं भाई पंप के पास, सो ले लेते हैं कट। अब भैया खड़े हैं वहाँ पे ठीक सामने, भर रहा है भाई तेल, अभी कितने का हो गया, 1000 रुपये का कर लेते हैं टोटल। सो गाइस भरा लिया तेल, फटाफट अब निकल रहे हैं गोदाम को, घर में गाड़ी खड़ी करते हैं क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चलाने का है नहीं, उस सर हेडेक हो जाता है मेरे को, सर दर्द बहुत हो जाता है, फटाफट निकल लो भाई, टकरा रहा लगता है गाड़ी में। तेरी मेरी कहानी छोटे। सो गाइस, अभी हम इसी रास्ते से आए थे तेल भराने के बाद, तो मैं टर्न ले रहा हूँ, यहाँ से कौन जाएगा, यहाँ को ब्रेकर बहुत है तो टर्न ले लेते हैं इधर से, ब्रेकर में थोड़ा हो जाता है दिमाग ख़राब, खट खट घट जाट झट के। तो अब निकलते हैं हम अंदर से थोड़े दूसरे आते, लेकिन यहाँ पे हो रहा है पानी कीचड़ सा, तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेकर तो नहीं है भाई कोई। तो सुबह 11 बजे हमारे सौर्य की हो जाती छुट्टी, और सौर्य को ले आया हूँ हम स्कूल से भाई, ये स्कूल से बोतल को रगड़ते हुए ला रहा था, ला रहे थे इनके साथ ऐसे झुकना पड़ता है। और चल रहे हैं अभी हम लोग, जा रहे हैं अभी घर को स्कूल से पैदल, क्योंकि बाइक हो रही थी गर्म, बाइक में नहीं, कहा चलो सीट धूप में, आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है, और जल्दी इसकी 11 बजे छुट्टी हो जाती है भाई ना, कितने बजे छुट्टी होती है ये क्या होता है 11 बजे। हाँ तो अरे वाह, हमारा भाई भी आ गया स्कूल से भतीजे श्री, कम देखो बाल कटाए, कहाँ कटाए, दिखाना जरा गेटअप दिखाओ बालों का, ये गेटअप फुल, और ये क्या ले रहे, ये प्लास्टिक का क्या है भाई, ये कैसा बैग है, अभी इधर से बोलना, ओहो प्लास्टिक का बैग है भाई इसका, इसमें है क्या 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 है इसमें भाई, ये देवेंद्र चोर लेगा तो बैग, फिर मत कहना। हाँ सो गाइस, हमारे घर के सामने भी गेहूँ रहते पूरे कट चुके हैं, पूरा मैदान पूरा सपाट साफ कर दिया गया है, और मतलब मज़ा आ गया क्योंकि हमारी मराई भी कल रात ही हो गई चुकी है, मतलब हमारे घर के ठीक सामने, क्योंकि ये वाला गोदाम इधर है और एक घर के यहाँ पे से वहाँ पे के अभी बचे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको पार्ट, वो पूरा बचा हुआ है अभी, ये अभी तो काफ़ी बचा है और बाकी इधर को तो सारे कट गए हैं, और ठीक सामने गेहूँ मराई भी हो चुकी है, कल पता ही नहीं चला भाई, रात ही में मतलब 9 बजे बाद कराया इन्होंने, क्योंकि दिन में किसी की आँख आँख में ना जाए, मतलब बहुत धूल उठती ना इसलिए रात को ही कटी जाती है पूरे, यहाँ तक एक पार्ट अभी उस साइड का भी और बचा हुआ है, तो पूरी ये हो गई, थोड़ा कभी बैडमिंटन खेल गया ऑफसीजन के बाद तो थोड़ा खेत पूरा प्लेन हो चुका है, तो तभी बड़ा मज़ा आता है भाई। और ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, बरसी वगैरह कुछ ऐसी है, और अभी कुछ है नहीं ऐसा, फिर उसके बाद दूसरा नेक्स्ट पार्ट काटेंगे ये लोग। उधर भी धान मड़ाई करी गई, एक इधर और एक इधर, दो जगह करा गया भाई।
सो गाइस अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और आज जल्दी आ गया हूं। अभी बज रहे हैं 7:30, 8 बजने वाला है मतलब। और ये लाया ड्राई फ्रूट्स, कोई मुझे दे गया। हमने कहा भाई तुम बहुत कमज़ोर हो गए राहुल भाई, तो एक में क्या है भाई, हाँ एक में काजू है, एक में बादाम। तुमने कहा भाई एक एक पैकेट मिल ले तो रख देते हैं यहाँ पर, सो खा लेंगे। तो लोगों को लग रहा है मैंने, चलो ठीक है थैंक यू यार, या मुझे इतना लोग देख रहे हैं, मतलब कोई फ्रेंड ही है जो देखे मेरे को, उनने कहा कि तुम कमज़ोर हो रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें लो। तो मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं, तो खुद दे गए अपनी तरफ से। सो मैंने कहा ठीक है भाई थैंक यू। और अभी आज फटाफट, क्योंकि बहुत दिन से मैंने एक्सरसाइज छोड़ रखी है और आज जल्दी आ गया, तो आज ऐसा कुछ काम था नहीं, तो दिन में तक जो काम अपना वर्क था वो पूरा कंप्लीट करके अब जा रहा हूँ। तैयार होता हूँ, पहले फ्रेश हो लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ और अच्छे से भी, उसके बाद जिम की तैयारी करता हूँ, कपड़े वपड़े पहन के सीधे जिम की तैयारी। हुई बहुत दिन हो गए कि एक्सरसाइज नहीं करी है, तो चलते हैं, तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो सीधे जिम निकल लेते हैं। सो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी जिम जाने के लिए, फटाफट तैयार हो गया, नहा भी धो लिया, अब थोड़ा फ्रेशनेस आया भाई। दिन में बहुत बुरी हालत हो जाती है, और लिया अपना जिम का पैक, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, खाली पानी की बोतल रहती है और क्या कहते हैं उसे, रूप है मेरी भाई, कॉफ़ी का पैकेट और कुछ नहीं रखता हूँ ज़्यादा। तो चलते हैं, मेरे फटाफट एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम घर, पहले सीधे जिम को निकलते हैं यार, मज़ा आएगा आज, देखते हैं क्या होता है। मतलब थोड़ा वर्कआउट कर लेगा, मन नहीं कर रहा, बहुत दिन हो गए थे यार, कब जाऊँ हो रही थी, तो आज मौका मिल गया थोड़ा। तो गाइस एक्सरसाइज करके मैं निकल चुका हूँ, आ गया मैं बैंकेट हॉल, क्योंकि अपना काम भी ज़रूरी है। सूरज जी मेरे साथ और मिस्टर देवेंद्र भी हमारे साथ हैं, तो भाई एक्सरसाइज करके काम भी ज़रूरी है, तो सब भाई तीनों जने हम साथ में, और हम अपना काम भी देखना है। और पहुँचे हम जैस्मिन ग्रांड, सो एक राउंड अंदर चलते हैं पहले। तो होटल जैस्मिन ग्रांड में हम पहुँच चुके हैं, और ठीक सामने रही इसकी बिल्डिंग और यहाँ से एंट्री। सो गाइस मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी इधर, तो चलते हैं, और सभी लोग अपने फोटो सेशन में लगे हुए हैं। ब्राइट का हो रहा है फोटो सेशन, इज गॉर्जियस। यहाँ से रखी हुई है एंट्रेंस, लेकिन मैं तो भाई बहुत क्राउड है इधर। गाइस अभी आए थे मार्केट, तो इसने कहा हमने खाना वाना तो वहीं से खा लेता, हल्का बहुत ले लिया स्नैक्स। और देवेंद्र को मन करा शेक पीने का, तो हम बोले ना कि यहाँ पे शेक वाले काजू शेक बादाम शेक पीते, तो दोनों जने पीने तो आए, मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने इसको पिला दो, पैसे की कमी के कारण एक ही गिलास लिया। अरे मैंने किया फिर मैं, तो मैंने कहा मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन हम तुम्हें नहीं, तुम्हारी तौत को पूरा फुला के रखेंगे। तो गाइस पहुँच गया हूँ घर, और देवेंद्र को छोड़ दिया उसके घर, और मैं उसे घर चुके आज टाइम से जल्दी आ गया हूँ, बच गया 12, मतलब और दिन तो 1-2-3 बज जाते हैं, तो आज फिर भी टाइम से पहुँच चुका हूँ 12 बजे। मतलब हो गया था मैं 10 बजे तक फ्री, उसके बाद भी जैस्मिन गया, तो भाई तो प्रोग्राम मतलब 12 बज गया भाई, कैसे भी इधर उधर जा जाके। तो गाइस अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, और मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।